दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जो इतिहास की निशानी है, उस दिल्ली की क्या है कहानी, सुनाएंगे दिल्ली की जुबानी, पांच साल दिल्ली का हाल, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाना, केजरीवाल सरकार के पूरा फ्री में हुआ है इलाज, आम आदमी पार्टी को देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विकासपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला है। आपने विकासपुरी सीट से मौजूदा विधायक महेंद्र यादव को एक बार फिर से टिकट दिया है, वहीं बीजेपी ने संजय सिंह को फिर से विकासपुरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय सिंह साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं। इसके अलावा विकासपुरी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार की बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां से मुकेश शर्मा पर दावा आजमाया है। लेकिन क्या केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 सालों में विकासपुरी की जनता के लिए विकास किया है? इस बारे में जब हमने यहां की जनता से बात की तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए। किस पार्टी को चाहते हैं इस चौपन क्षेत्र में? आदमी पार्टी को चाहते हैं मैडम। क्यों, आपको क्यों? वो ग्राउंड पे काम करते हैं हमारे विधायक जी। क्या क्या काम किए हैं उन्होंने जी? बहुत काम किया, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, सारी गल कॉलोनियों की कच्ची कॉलोनियां पक्की करवा दी है और पानी की लाइन डलवा दी है। मतलब कोई काम है ही नहीं बताने लायक नहीं किया लगभग। और सरकार ने कभी कुछ कार्य नहीं किया ऐसा आपके क्षेत्र में? हम चंचल पार्क में रहते हैं मैडम, हमारे पास 15-20 साल से इतने गड्ढे थे, किसी सरकार ने हमारी नहीं सुनी थी। और जो विधायक जी आए थे उन्होंने किया था कि मैं चंचल पार्क की बहुत दुर्गति में आते काम कराऊँ। उन्होंने पहले आते ही सबसे पहला काम यही करवा था कि चंचल पार्क का बजट लेके आए थे और आज चंचल पार्क सीपी की तरह चमक रहा है। आम आदमी पार्टी को देंगे वोट हम, ये देंगे। मुझे भी अच्छी लग रही है आम आदमी, सबसे बढ़िया मुझे बढ़िया हेल्थ के मामले मिलेगा। जाओ अपना इलाज कराओ फ्री ऑफ कॉस्ट, जेब में पैसे ना तो इलाज के बगैर तो रह जाता ना आदमी। इसमें सबसे बड़ी खासियत देर की पैसे की जरूरत ही नहीं है, सारे काम हो जाते हैं, इलाज होता है, सर्जरी हो जाती है, कितने बड़े। और एजुकेशन बहुत बढ़िया हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है। पहले कहाँ होता था गवर्नमेंट स्कूल का, पब्लिक स्कूल का होता था। गवर्नमेंट स्कूल की बात कीजिए तो वहाँ फ्री था पहले शुरुआत से, वैसे फ्री था नहीं, अब और ज़्यादा फैसिलिटी दी है। अब तो अब फैसिलिटी दी है, उनको बाहर पढ़ाने के लिए बच्चों को भेज सकते हैं आप, उनके लिए पैसे मिलेंगे, रहने के लिए भी मिलेंगे 2500 रुपये के हिसाब से। बहुत ज़्यादा सुविधा कोचिंग की भी दी है, सुविधा बहुत ज़्यादा सुविधा दी है। स्कूल रिजल्ट भी बढ़ गया है, रिजल्ट भी बढ़ गया है सरकारी स्कूलों का। पब्लिक स्कूल का रिजल्ट कम हो गया, सरकारी स्कूल का बढ़िया हो गया। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि 12th के बाद बेसिकली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता था कि उन्हें करना क्या है। जिसे पता था कि क्या करना है उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होती थी, उसके पास में पैसा नहीं होता था पेरेंट्स के पास में कि उसको कोचिंग, ऐसा भी नहीं होता था। और काउंसलिंग भी करने, काउंसलिंग मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि स्टार्टिंग में उन्हें यही नहीं पता था बच्चों को करना क्या है। अब गवर्नमेंट स्कूल में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जो पेरेंट टीचर मीटिंग कभी इतिहास में नहीं हुई थी वो पेरेंट टीचर मीटिंग गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट की मनीष सिसोदिया जी ने, आम आदमी पार्टी ने, जो कि एक काबिले तारीफ है, जिसका बीजेपी ने विरोध भी किया था, यहाँ तक कि एक सिफारिश की गई थी LG द्वारा कि PTM को बंद किया जाए। लेकिन मैडम देश गवाह है, इतिहास गवाह है, अगर किसी देश को या राज्य को विकास करना है तो उसके लिए शिक्षा सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है। और आम आदमी पार्टी ने ना किसी धर्म की राजनीति करी है, ना किसी के साथ भेदभाव किया है, शिक्षा पे ध्यान दिया। अगर बच्चे पढ़ जाएंगे परिवारों का जो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। फरिश्ते टीम मैं कहूँगा, जो केजरीवाल जी ने फरिश्ते का वो चलाया था ना एक्सीडेंट, मेरा ये पूरा टूट गया था मैम, पूरा एक्सीडेंट फ्रैक्चर हो गया था, पूरा फ्री में हुआ है इलाज फोर्टिस में, कोई पैसा नहीं लगा। फोर्टिस हॉस्पिटल में मुझे लेके गई थी एम्बुलेंस, उन्होंने एडमिट कर दिया था। कितना खर्चा बैठा था आपके इलाज का मैम? उन्होंने तो बहुत बोला था, ये पूरा फ्रैक्चर हो गया था, उन्होंने बोला कि करीब 2-2.5 लाख रुपये का आपका खर्चा आएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है हमारा सारा, कुछ भी पैसे नहीं लगे, पूरा MLC कटी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इलाज किया। मैं तो केजरीवाल को हमेशा उनका प्रशंसक, क्या उनके जब भी तक वो पार्टी यहाँ पे रहेगी आम आदमी पार्टी, जब तक हमारा वोट उसी को जाएगा। केजरीवाल सरकार के काम इतने किए हैं जो आज से पहले नहीं किया। केजरीवाल सरकार ने जो राजनीति होती थी ना, जो नेता होते थे वो गाड़ियों में घूमते थे, उनको ज़मीन पे ले आए हैं। उन्होंने ये पता चला कि आज गाड़ियों में घूमने वाले नहीं हैं, ज़मीन पे चलने वाले हैं, राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं। जैसे कि हमारे विधायक श्री महेंद्र यादव जी हैं, वो सुबह 5 बजे बाइक से निकल लेते हैं और शाम का उनको पता ही नहीं कि 1 बजे भी जाते हैं कि 2 भी पहुँचते हैं। लेकिन उन्होंने काम तो किए ही किए हैं, जो आज से पहले कोई भी विकासपुरी में काम नहीं हुए थे, जो पेंडिंग पड़े थे उन्होंने किए हैं। उन्होंने आज से ये कांग्रेस सरकार नारियल तोड़ के चली जाती थी, नरोला में उन्होंने ITI बनाई है, बकरवाला में पॉलिटेक्निक बनाया, बापडोला में स्कूल बनाया है। और तो ये एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गरीब इन्होंने काम तो किए किए हैं, साथ के साथ अपना एक परिवार बनवाया है, हर किसी के सुख दुख में सबसे आगे रहते हैं। देखिए विकास 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, विकासपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई महेंद्र यादव जी खड़े हुए हैं और पार्टी की बहुत काफ़ी समय से इनका जनाधार बहुत अच्छा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं
विकास प्री को कि इन्होंने कार्य कराए, बहुत अच्छे काम कराए, जनता के बीच में रहें, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहें। जैसे सामाजिक कार्यों में बेटियों की शादी, गरीब बेटियों की शादी कराना, तीर्थ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाना। दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा तो अब शुरू हुई है, उससे पहले से महेंद्र यादव जी का पहले से रिकॉर्ड रहा है कि वो तीर्थ यात्रा कराते रहते हैं। बात अगर 2015 विधानसभा चुनाव की जाए तो 2015 में विकासपुर सीट से आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव ने बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह को 77,665 वोटों से हराया था। महेंद्र यादव को विकासपुरी विधानसभा से कुल 1,32,437 वोट मिले थे, वहीं संजय सिंह को केवल 54,772 वोट ही मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार नंद किशोर तीसरे नंबर पर थे, नंद किशोर को 19,540 वोट मिले थे। ऐसे में जब हमने आप उम्मीदवार महेंद्र यादव से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सबसे बड़ा कार्य कि हमने किया है, लोगों के घर तक पानी पहुंचाया है। हम लोगों को बता रहे हैं कि हमने जो 25 साल में नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हुआ, वो पानी हमने घर तक लोगों को दिया है। सीवर डलवाया है, रोड नालियाँ बनवाई हैं, स्कूल बनाए हैं, कम से कम 440 कमरे बनाए हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाया है, उसके बाद ITI बनाई है, उसके बाद 18 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, पुल बनाए हैं, बहुत सारे काम हमने इस 5 साल के अंदर किए हैं। वही सब मुद्दे लेके हम जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं जो काम बच गया उसको आने वाले समय में फिर हम उसको करेंगे। कल सर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, क्या लगता है उनका जो संकल्प पत्र है उसका आम जनता के ऊपर फर्क पड़ेगा, आपके वोटर्स पर फर्क पड़ेगा इस चीज़ पर? देखो, एक होता संकल्प करना, एक होता आश्वासन देना, एक होता काम करना। घोषणा पत्र तो सभी जारी करते हैं, हमने किया था, सारे के सारे जितने मुद्दे थे सब पे काम किया। मैंने तो नहीं पढ़ा उनका बीजेपी वालों ने क्या किया है, लेकिन वो जो भी करते हैं झूठी बोलते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सर बजट हमेशा फेब के लास्ट में आता है और इस बार मोदी जी ने 1 तारीख को ही आज मतलब फाइनल होने वाला है, तो क्या लगता है बीजेपी की दाल दिल्ली में गल पाएगी, कहीं आपके वोटर्स को वो अपनी तरफ कन्वर्ट तो नहीं कर लेंगे? ना, बीजेपी भी दाल है, बीजेपी भी दाल ही नहीं, गलेगी कहाँ से? बीजेपी पास तो दाल ही नहीं है, गलेगी कहाँ से? गलेगी तो उसकी जिसकी दाल होगी। नहीं सर, उसमें हो सकता है ना बजट पे जो गरीब लोगों के लिए जैसे 2 रुपए किलो आटा कर रहे हैं, स्कूटी देने की बातें कर रहे हैं, 9वीं क्लास की लड़कियों को साइकिल देने की बात कर रहे हैं, तो गरीब तबके के जो लोग ऐसे कहीं ना कहीं से मतलब इनके कंट्रोल में आ जाएंगे? बिल्कुल कुछ नहीं होता ऐसा। जिसके घर में दिल्ली सरकार हर महीने 5,000 रुपये दे रही है फायदे के तौर पर, बिजली में, पानी में, दवा में, स्कूल में, वो दे रही है। हमने वो वादे कर रहे हैं, हमने करके दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। वोटर कहीं नहीं जा रहा, वोटर केवल और केवल झाड़ू के साथ हैं, केजरीवाल के काम के साथ हैं, और हमने भी अपनी विधायक विकासपुरी विधानसभा में बहुत सारा काम किया है। सर बिजली फ्री, पानी फ्री, सड़कों की खुदाई स्टार्ट, तो क्या ये कि चुनाव को लेकर तो नहीं है? सर कुछ नहीं है, सड़कों की खुदाई तो जिस दिन 2015 में जीत गए थे उस दिन से कर रहे हैं। 480 किलोमीटर पानी की लाइन बिछाई है, अगर सड़कों की खुदाई नहीं करेंगे तो लाइन कहाँ से बिछेगी? सड़कों की खुदाई होने से तो लाइन बिछेगी ना। खुदाई सर अभी क्यों चल रही है, क्योंकि 5 साल थे ना आपके पास तो इस समय, और विपक्ष का कहना है कि सीवर की जो लाइनें हैं वो ठीक हैं, पाइप ठीक है, लेकिन चुनाव को लेकर दोबारा से खुदाई की जा रही है हर चीज़ की। आप अभी आए हैं ना जी, आपको दिखाई दे रहा है कि अभी खुद रहा है, आप भी चुनाव सर हमारा नहीं कहना, जनता का विपक्ष का कहना है। विपक्ष अभी बाहर निकला है ना, 5 साल से विपक्ष बाहर ही नहीं निकला, अभी 15 दिन से विपक्ष बाहर निकला है। जिस कॉलोनी में डल रहा है वो उसको दिखाई दे रहा है कि खोद रहे हैं, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं दे रहा जो हमने 440 किलोमीटर लाइन बिछा के लोगों तक पानी दे दिया। विपक्ष हमारे यहाँ नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी वालों की जमानत जब्त होनी है हमारे यहाँ पे। वे अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर लें लोग, बीजेपी और कांग्रेस वाले कितने भी बवंडर फैला लें, कुछ भी लोभ दे दें, लेकिन गरीब आदमी अरविंद जी के साथ है, अरविंद जी की विश्वास करता है, महेंद्र यादव के ऊपर विश्वास करता है गरीब आदमी, और जीत हमारी होनी और बहुत बड़े लेवल पे जीत होनी। सर एक सवाल, विपक्ष मतलब मैं कांग्रेस की ओर से बात कर रही हूँ, उनका कहना है जो शीला जी ने 15 साल जो काम किया था आप पार्टी उसी के ऊपर लीपापोती कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो शीला दीक्षित जी भी नहीं है ना कांग्रेस है, सर उनके काम की बात हो रही है। तो काम अब तो कांग्रेस के काम पर लीपापोती की आप पार्टी ने? नहीं, हमने कौन सा, जब उन्होंने पुल बनाया गया तोड़ के बनाया, हमने जो उनका बचा हुआ था उसको हमने बनाया है, अगर वो स्टार्ट करके गए थे तो फाइनल तो हमने किया ना। उसके बाद वो कौन सी लाइन डाल के गए थे सीवर की? कुछ नहीं करके गए, सीवर का लाइन हमने डाला है, पानी हमने डाला है, हमने स्कूल बनाए हैं, स्कूल में कमरे बनाए हैं, नई बिल्डिंग बनाई है, ITI बनाई है। सर स्कूल से मैं बात करना चाहूँगी, कहते हैं करप्शन की जो शुरुआत है स्कूल से हुई है, और आप पार्टी ने कहा था स्टार्टिंग में हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन जो स्कूल का खर्चा है, रूम का खर्चा है 5 लाख आता है, उसे 25 से 30 लाख दिखाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वो क्या मजदूरी करते हैं क्या सर? उनका 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 कहना है वो क्या मटेरियल खरीद के लाते हैं क्या है? जो टेंडर होता है, जो अवार्ड होता है, जो सरकारी काम है वो उनके ठेकेदार भी डालते हैं उसके बाद। मैं पूछना चाहूंगी सही है या गलत है ये उनका कहना?
देखो कोई कुछ भी कह सकता है, जवान है, जवान हिलने में कोई कुछ भी कह सकता है। सर आप पार्टी अपने आप को स्टैंड कर रही है ना वादों पर। आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें लेके आ रही है और विकासपुरी विधानसभा सबसे बड़े मार्जिन के साथ जीत रही विकासपुरी विधानसभा। तो क्या लगता है इस बार कितनी सीटें ले जाएंगे दिल्ली में? मैं तो कह रहा 70 की 70 सीटें लेके आ रहे हैं। सर ऐसे तो विपक्ष का भी कहना है हम 70 ले जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस दोनों का कहना है 70 हम भी ले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुलना, कांग्रेस का और बीजेपी वालों का तो खाता भी नहीं खुलना। अगर कहीं एक आध सीट कहीं गलती से किसी ने दे दिया, जो ये हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं छोटा मोटा अगर हिंदू मुस्लिम पे मैं बात करती हूँ, जो धारा 370 अयोध्या वाले जो कांड के, ये किस लिए किए हैं? मतलब क्या लगता है चुनाव आने वाले थे मोदी जी ने? धारा 370 अयोध्या कांड जो भी है इनसे कोई पेट भरने वाला नहीं। सुबह प्यास लगती है तो टोंटी से पानी कौन पिलाता है? आम आदमी पार्टी पिलाती है। अगर कहीं लेटरिन साफ करनी है तो कौन कराता है? आम आदमी पार्टी का साफ कराती है। अगर बच्चों को शिक्षा देती है तो आम आदमी पार्टी शिक्षा देती है। स्कूल ऐसे बनाए हैं कि देखने वाला देखता रह जाए। अब ये कुछ भी कह सकते हैं। चलिए सर एक सवाल मेरा और, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए क्या कर रही है आपकी पार्टी इस समय? आपकी बार हमने अभी भी ना बहुत सारे काम किए, सिविल डिफेंस जो है, जो सिविल डिफेंस में बच्चे हमने लगाए हैं, जो मार्शल लगाए हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी है और उसके साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार देने का भी एक तरीका है। कैसे रोजगार कैसे मिल जाएगा ये थोड़ा बताएं। अब जो नौकरी मिली है जिन बच्चों को, जो बेरोजगार थे उनको अगर 10,000-15,000 हमने लोगों को बच्चों को नौकरी दिए तो उनको रोजगार मिला ना। उसके बाद हमने सरकारी में माले हम ज़्यादा नहीं लगा पाए क्योंकि हमारी 2.5 साल तो LG के साथ चलता रहा, आप भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद हमने DTC में भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली, तो DTC में कंडक्टर और ड्राइवर भी भर्ती किए हैं, जो बसें आ रही हैं उसमें भी ज़्यादा उनको नौकरी देंगे। तो अभी आने वाले समय में और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पे फोकस करेंगे कि जो युवा है उसको रोजगार मिले। सर एक सवाल, काउंसलर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि फंड हमें दिया नहीं जा रहा, आप पार्टी हमें परेशान कर रही है, हम काम नहीं कर पा रहे, इस वजह से इनके एरिया में सारे क्षेत्र में गंदगी है। काउंसलर साहब जो भी हैं, किसी का भी है बीजेपी का या कांग्रेस का है, अगर 200 लेबर है, 200 कर्मचारी काम करते हैं, 100 तो अपने घर पे रहते हैं, 100 का महीना तो काउंसलर ले जाता है, 100 का महीना तो काउंसलर ले जाता, सफाई कहाँ से होगी? और पैसे देने की बात, जो बजट है उनको हम जितना उनका पैसा बनता है, दिल्ली सरकार उससे भी ज़्यादा देती है, लेकिन अगर एक जो काम करने वाले हैं, जो MCD में निगम पार्षद जो काम करते हैं, अगर करेंगे ही नहीं काम, अगर जब तक कमाओगे नहीं। उन्होंने सर हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास फंड नहीं, हम काम कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ बांध रखे हैं। अभी 2 दिन बाद चुनाव में भी बीजेपी हाथ खड़े कर देगी, हमारे पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, हम सरेंडर करते हैं। अभी 2-3 दिन का चुनाव हो रहा है, 6 तारीख तक, 6 तारीख तक तो घुटने टेक देंगे हम इनके, ऐसे हाथ खड़े कर लेंगे कि बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले, कांग्रेस वाला तो है ही नहीं कहीं भी, कांग्रेस गिनती में ही नहीं है, कांग्रेस तो गिनती में नहीं है। पहले ही पिछले 2015 में एक थी कांग्रेस, लोगों ने उसको एक थी लगा दिया था, अब तो है थोड़ी लगाएंगे, लोग इतने पागल थोड़े हैं, बहुत समझदार है वोटर इतना। सर एक सवाल मेरा, कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया लेकिन फिर भी उसका पीछे रहने का रीज़न क्या रहा? आप पार्टी कैसे स्टैंड कर गई दिल्ली में? काम क्या किया, काम जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो पूरी नहीं हुई। सुबह उठती, सबसे पहले उठती अगर पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिला, सुबह उठती स्कूल चाहिए बच्चों को, स्कूल ही नहीं मिला, ज़रूरत की चीज़ें कहाँ मिली? बस खाली हवाबाजी हवाबाजी में 15 साल गए। क्या था पहले, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, कभी वो आ जाती थी, कभी वो आ जाती थी, अब आम आदमी पार्टी आई है, अब आम आदमी जागा है, और अब जब आम आदमी जगता है ना तो परिवर्तन होता है। अपनी सीट को लेकर आप इस बार भी पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, ठीक है, तो जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूँ, किसी के बहकाई में आए, जो प्लाट देने की और रजिस्ट्री कराने की जो बातें कर रहे हैं बीजेपी, जो भी लालच देना चाह रहे हैं, कोई लालच में ना आए और सब वोट करके आए और काम के नाम पे वोट करें। विकासपुरी सीट के इतिहास की बात की जाए तो ये सीट साल 2008 में अस्तित्व में आई और साल 2008 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नंद किशोर ने विकासपुरी सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2003 और 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव लगातार 2 बार विकासपुरी से विधायक चुने गए हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आपकी, तीनों पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से अपने क्षेत्र में लगी हुई है। ये तो जनता ही 11 तारीख को तय करेगी किस पार्टी को अपने क्षेत्र में आने की अनुमति देती है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं रोमा कक्कड़, ABC न्यूज। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जो इतिहास की निशानी है, उस दिल्ली की क्या है कहानी, सुनाएंगे दिल्ली की जुबानी 5 साल दिल्ली का हाल, सिर्फ ABC न्यूज पर।